प्रीमित नमस्कार, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। आज सर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्रेरक है। मुझे पूरी आशा है कि इस स्टोरी से आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी, तो समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको ले कर चलता हूँ। प्रिय मित्र, लखनऊ के एक ऑफिस में महिमा नाम की एक महिला काम करती थी। तो टाइम से ऑफिस आती थी, टाइम से जाती थी। उसके ऑफिस की उसकी सीट की खिड़की के सामने एक दूसरी बिल्डिंग में रोज़ एक गृहिणी थी, वो कपड़े साफ करने आती थी और ये महिला उसको हमेशा देखा करती थी। तो इसके अंदर, महिमा के अंदर दूसरों के में नुक्स निकालने की, कमी निकालने की आदत थी और इसको अपना छोड़ के किसी का भी सर अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो आत्ममुग्धता से पूरी तरीके से भरी हुई थी। तो उसको देखती थी, कहती थी, अरे ये महिला कितने गंदे कपड़े धो रही है, अरे और देखो तो इसके कपड़े भी कितने गंदे हैं, और ये बिल्डिंग तो जिस बिल्डिंग में रह रही वो तो इतनी गंदी जैसे जब से बनी हो तब से पता ही नहीं हुई है। ये सब वो अपने सहकर्मी को बताती थी, सहकर्मी देख के हाँ हूँ करके बात को ख़त्म कर देता था। धीरे धीरे उसका उस तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा था उस महिला में नुक्स निकालने का। तो एक दिन क्या हुआ सर कि मतलब वो उस महिला को देखने में अपना ध्यान लगा रही थी, तब तक बॉस कमरे में आ गए और वो उसमें इतना तल्लीन थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि बॉस आ गए। तो बॉस ने टोका कि महिमा तुम्हें क्या कर रही, तुम्हारा क्या काम में मन नहीं लगता है? तो मैं बोले, नहीं सर, देखिए उस मैं उस बिल्डिंग में उस महिला को देख रही थी। सर आप भी देखिए, मतलब लोग कितना मतलब लापरवाह होते हैं, कितने इनहाइजीनिक होते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, कि कितनी गंदी तरीके से मतलब ये कपड़े धो रही है, उसके अपने भी कपड़े गंदे हैं और देखिए वो बिल्डिंग भी कितनी गंदी है। तो बास का मन तो नहीं हुआ, लेकिन जो कह रही थी तो उसने देखा। फिर उसने बहुत ध्यान से देखा तो बास को चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो मुस्कुराहट आ गई तो कहने लगी कि सर मैं तो आपसे कह रही हूँ कि देखिए महिला कितनी गंदी रहती है और कपड़े भी गंदे धोती है, इसका कितना सब चीज़ निगेटिव, इसके बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं। तो बास बोले कि इसका जवाब मैं तुमको कल दूंगा। तो महिला बोली चलिए कोई बात नहीं। वो दिन बीता, कल आना ही था, कल आया। महिला रोज़ की तरह फिर ऑफिस में आई और हमेशा की तरह उसका ध्यान वहीं लगा था। उसने देखा तो अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया। उस महिला के कपड़े भी साफ दिख रहे थे और वो जो कपड़े धो रही थी वो भी साफ ढंग से धुल रहे थे और बिल्डिंग तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल चमचमा रही है। तब तक बास कमरे में आ गए। तो जब बास कमरे में आ गए तो महिमा बोली कि सर ये आप आज मुझे बताने वाले थे कि ये क्या होना था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया, ये तो बिल्कुल सब कुछ साफ साफ हो गया, ये बिल्डिंग साफ हो गई, इस कैसे रातों रात हो गई कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बास बोले कि महिमा जब तुम कल ऑफिस से चली गई तो मैंने जो तुम्हारी खिड़की का शीशा था उसको पूरी तरीके से साफ करवा दिया। तो वो महिला कपड़े साफ ही पहनती थी, हमेशा साफ पहनती थी, हमेशा कपड़े साफ धोती थी और उसका बिल्डिंग भी अभी पेंट नहीं हुई, कई साल पहले पेंट हुई होगी। वो जो चमचमाती तुमको दिख रही वो तुम्हारे शीशे पे लगी धूल की वजह से दिख रही है। तो यह सुनने के बाद महिमा सारा गेम समझ गई और उसे अपने पे बड़ा पश्चाताप आया कि मुझ में ही कमी थी, मुझ में ही गलती थी। तो सर छोटी सी कहानी है, इससे सबक लिया जा सकता है। आप देखिए, हम लोग दूसरे के में कमी निकाला करते हैं। दुनिया सर वही है, जो लोग हैं उनमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अगर हम बुराई को पकड़ के चलेंगे तो हमें शायद ही कोई अच्छा इंसान दिख पाएगा और फिर हमें भी तो कमियाँ होती हैं सर। तो जिस ढंग के चश्मे से हम दुनिया को देखेंगे दुनिया उसी ढंग की दिखेगी। अगर हमारे चश्मे में धूल लगी है तो हमको दुनिया धूल भरी दिखेगी और अगर हमारा चश्मा साफ होगा तो वो सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। बस जैसे कहते हैं ना, नज़र बदलेगी तो नज़ारा बदल जाएगा सर। तो जीवन के प्रति नज़रिए को हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम निगेटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो हमको कभी सफलता नहीं मिलेगी, हमको सारे लोग निगेटिव ही दिखेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमको दूसरे भी में भी पॉजिटिवनेस दिखाई देगी। और सर, शहर आप शहर बदल दें, नौकरी बदल दें, काम धंधा बदल दें,
मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने प्रति सकारात्मक नजरिया लेकर उठ नहीं खड़े होंगे तब तक सर कुछ नहीं होने वाला है। तो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। और जैसे एक गालिब का शेर भी पुराना है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति भी ऐसी ही न बन जाए कि धूल चेहरे पे हो और हम आईना साफ करते रहें। तो मेरा तो यही संदेश है कि पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बनिए। जो अगर मान लीजिए कोई सच में भी आपके आसपास नकारात्मकता फैला रहा है तो आप कोशिश करिए कि वो भी पॉजिटिवनेस की तरफ आ जाए। तो थोड़े का बहुत समझिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिएगा और अपने विचारों से हमें अवगत कराइएगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएँ, बेल आइकन दबाएँ। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे।